बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल ई टेस्ट। नाज़रीन, आज हम जिस पेपर की तैयारी करने जा रहे हैं वो पेपर है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की सीट्स अनाउंस हुई हैं, इसलिए हमने इस पेपर की तैयारी के लिए बार बार दोहराए जाने वाले क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट किया है। नाज़रीन, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी ऐसी पोस्ट है जिसकी हर एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ ना कुछ वैकेंसीज होती हैं, इसलिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, चलते हैं पेपर की जानिब। उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी नाज़रीन, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिल्क इज़ जनरली लोएस्ट इन फैट? कौन सा दूध है जिसमें फैट कम सबसे कम होती है? नाज़रीन, स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क ऐसा मिल्क होता है जिसमें से फैट अच्छी तरह दूध से फैट अलग कर ली जाती है, वो दूध जो है स्किम्ड मिल्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? नाज़रीन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है ये UN का मेन ऑर्गन नहीं है। UN के 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिनमें UN जनरल असम्बली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नाज़रीन, ये UN बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तकरीबन हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इससे मुतलका UN का सादा तरीन, आसान तरीन अल्फाज में जो तारुफ है हमारे ई टेस्ट चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी नाज़रीन, क्वेश्चन नंबर थ्री है, होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम नेम्ड एज अहमद इन विच सूरा ऑफ होली कुरान? कुरान पाक की किस सूरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया है, मुखातिब किया गया है? नाज़रीन, सूरा अल सफ़ है, जिसमें अहमद के नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, कई पेपर्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है कि मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी बार आया? नाज़रीन, ने 4 दफ़ा कुरान मजीद में मोहम्मद का नाम मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? 1952 में पाकिस्तान में सुई गैस को दरियाफ्त किया गया है, जो कि सुई एक जगह का नाम है बलूचिस्तान में, वहाँ पर यह डिस्कवर हुई है। 1952 में डिस्कवर हुई है और 1955 में गवर्नमेंट ने इसे प्रॉपर इसकी सप्लाई शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? नाज़रीन, पेंसिलिन को 1928 में लंदन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ सारो आमुल हुज़्न? आमुल हुज़्न किस साल को कहा जाता है, गम का साल किस साल को कहा जाता है? 1090 को गम का साल कहा गया है, क्योंकि इस साल में खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ हुई है, वफ़ात हुई है, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफ़ात भी 1090 में हुई, 1090 में हुई है, इसलिए इसे आमुल हुज़्न कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हु फाउंडेड द आर्या समाज? आर्या समाज किसने बनाई? नाज़रीन, ये एक फ़िलासफ़र था, थिंकर था हिंदुइज़्म का, स्वामी दयानंदा सरस्वती, जिसने 1875 में आर्य समाज बनाई। इसका मकसद हिंदुइज़्म, हिंदुवाना सोच और मजहबी अकायद को परवान चढ़ाना, प्रमोट करना था। क्वेश्चन नंबर 8, वारिस शाह द ऑथर ऑफ हीर इज बरीड इन? वारिस शाह कहाँ दफन है? नाज़रीन, 1712 में वारिस शाह पैदा हुआ और 1798 में फोत हुआ, मलका हांस के मुकाम पर फोत हुआ, और जबकि इसे जंडियाला शेर खां में दफन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, एम सी माहन
लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसके मुख्तलिफ नाम है, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर जो इंडिया के साथ है उसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर या इंटरनेशनल बॉर्डर या रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे ड्यूरंड लाइन कहा जाता है, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे पाकिस्तान ईरान बैरियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रैम स्टैंड फॉर, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाज़रीन, ये क्वेश्चन मुख्तलिफ सिनेरियोज में भी आया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड फाइव प्रेयर्स बिकम एन ऑब्लिगेशन, पांच नमाजें कब फ़र्ज हुई। नाज़रीन, 11 नबी को नमाजें फ़र्ज हुई हैं। इसके अलावा मज़ीद इजाफा करते चलेंगे, रोज़ा और ज़कात जो है ये 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ है, जबकि हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूली बॉर्न इन्फेंट। जो बच्चा पैदा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। नाज़रीन, जो बच्चा पैदा होता है उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं, जबकि एक एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द साल्ट रेंज लाइज ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर जेहलम। क्वेश्चन नंबर 15, द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन गोज टू जोनस साल्क। नाज़रीन, जोनस साल्क एक अमेरिकन फिजिशियन था जिसने 1950 में पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया। इसके अलावा नाज़रीन, पोलियो वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लॉगरिथम टेबल्स वर इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। नाज़रीन, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड का रहने वाला था, इसने 1614 में लॉगरिथम ईजाद किया। हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया। इसके अलावा नाज़रीन, न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को लॉ ऑफ ग्रेविटी पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द बलूचिस्तान इज हिंगल। नाज़रीन, हिंगल रिवर जो है ये मकरान में वाक़ है, मकरान बलूचिस्तान में एक जगह है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया ऑक्यूपाइड सर्टेन पार्ट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। 1984 में इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर के कुछ हिस्सा पर कब्ज़ा किया था। नाज़रीन, इसके साथ आपको मज़ीद बताते चलें कि सियाचिन ग्लेशियर की टोटल लंबाई जो है 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ हाउ मैनी मेम्बर्स। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेम्बर्स हैं, जिनमें से 10 मेम्बर्स जो है नॉन परमानेंट है और 5 मेम्बर्स परमानेंट है। नाज़रीन, फिर यूनाइटेड नेशंस का क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया गया है, इसलिए आपसे आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यूनाइटेड नेशंस पे जो वीडियो हमारे ई टेस्ट चैनल पे पड़ी है उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, बैकल। 22 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज आर कंसिडर्ड द टालेस्ट इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, रेड रोज दरख्त है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 13, फेयर ऑफ हाइट इज कॉल्ड, ऊंचाई का खौफ जो है वो किसे कहते हैं। नाज़रीन, अल्टोफोबिया और एक्रोफोबिया जो है ये बुलंदी का खौफ है। इसके अलावा अंधेरे का डर जो होता है उसे नेक्टोफोबिया और पानी के डर को एक्वाफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मुसद इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल। क्वेश्चन नंबर 5, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नाज़रीन, वन हॉर्स पावर जो है 746 वाट्स के बराबर है, और हॉर्स पावर जो है ये पावर का यूनिट है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।